मैं स्नेहा मैं इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट uh, हूँ तो आज uh, मैं एक नावल है मित्र फुकन का द कलेक्टर्स वाइफ़ उस पर कुछ डिस्कस uh, करना चाहती हूँ जो सेकेंड सेमेस्टर का इंडियन पार्ट का जो नावल है मित्र फुकन का द कलेक्टर्स वाइफ़ तो उस पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट हम आज uh, मेरी इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगी फ़र्स्ट अबाउट द राइटर इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर जिन्होंने द कलेक्टर्स वाइफ लिखा है उनके बारे में बात करेंगे तो मित्र फुकन एक इंडियन ऑथर है वेल नोन असामिस राइटर है जो इंग्लिश में लिखती है वो एक ट्रांसलेटर है साथ ही साथ वो एक कलमनिस्ट भी है उनकी पब्लिश लिटरेरी जो वर्क्स है उनमें हम देख सकते हैं फोर चिल्ड्रेंस बुक्स बायोग्राफी भी है दो नावल्स भी है द कलेक्टर्स वाइफ और ए मॉनसून ऑफ म्यूजिक ये उनके दो नावल्स में से हैं और उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी लिखे हैं नॉवेल्स पे ट्रांसलेशंस उनका एक कलेक्शन भी है फ़िफ्टी ऑफ अ कॉलम्स गुहाटी गेस वो उनकी जो मोस्ट रीसेंट वर्क है उनका जो कलेक्शन है ओन शॉर्ट स्टोरीज का जो ए फुल नाइट्स थीवरी जो है स्पीकिंग टाइगर 2016 का और एक कलेक्शन जो है शॉर्ट स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन जो है आघोनी बाई जो आज स्टोरीज 2019 एक्चुअली रिसेंट है वो तो वो इंडियन म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा लिखती है उनका जो रिव्यूज़ होता है इंडियन म्यूज़िक पे होता है एसेस्ट हैं वो खुद और उनकी जो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया है बहुत सारे लैंग्वेज़ में ट्रांसलेट किया है तो इसी वजह से उनकी बहुत सारी नावल्स उनकी बहुत सारी ट्रांसलेटेड की हुई नावल्स हम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में पढ़ते हैं तो उनकी जो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं जैसे कि यूनिसेफ़ अवार्ड सीबीटी यूनिसेफ़ सीबीटी अवार्ड फॉर चिल उन, उनका जो चिल्ड्रन फिक्शनल वर्क्स था उन उन, उनके लिए उन्होंने जीत मतलब जीत, जीता है द कथा अवार्ड जो उनका ट्रांसलेशन है उस वजह से उन्होंने जीता है कलेक्टर्स वाइफ के ऑथर तो हैं मित्र फुकन हम जानते हैं उनके एक्स्ट्रा वर्क्स के बारे में हमने जाना तो ये जो नॉवल है द कलेक्टर्स वाइफ ये 2005 में उन्होंने पब्लिश करवाया था तो ये नावल जो है इसका जो ये नावल सेट द आसाम मेजिटेशन जो सेवेंटीज़ और एटीज के बीच में जो आसाम जो एड एजुटेशन चलो था पॉलिटिकल सिचुएशन जो एक क्रिएट हुआ था एक डिस्टरबेंस uh, वाला सिचुएशन उस पर ये चीज़ उन्होंने मतलब बेस्ड करके ये नावल लिखी है ये Uh, in, और ये फ़र्स्ट ऐसा असामिस, uh, uh, असामिस राइटर का नावल है जो इंटरनेशनल हाउस में पब्लिश हुआ है एक असामिस राइटर का नावल इंटरनेशनल हाउस के थ्रू पब्लिश हुआ है तो फुकन uh, मित्र फुकन जो है वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड क्लासिकल वोकलिस्ट भी हैं वो रेगुलरली म्यूज़िक पे रिव्यूज लिखती रहती हैं तो ये जो नावल है मित्र फुकन का द कलेक्टर्स वाइफ ये पोट्रे करता है उस टाइम का सेवेंटीज़ टू एटीज़ का जो एक पॉलिटिकल सकम स्टैंड सकंस्ते कम्युनिटी जो आसाम आ, उन्होंने एक फ़िक्शनल नाम दिया है यहाँ पे उस प्लेस का पर्वतपुरी तो वहाँ पे जहाँ पे किडनैपिंग्स कोएशंस होते पॉलिटिकल प्रिकेरियसनेस ये सब वहाँ का जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था उस पर बेस्ड करके ये स्टोरी है जहाँ पे उनकी जो प्रोटागनिस्ट है नावल की रुक्मिनी वो कैसे वो एक कलेक्टर की वाइफ होती है तो वो कैसे उस सिचुएशन से वो डील करती हैं वहाँ पे जो सिचुएशन चलता है उनकी लाइफ में कैसा कैसा प्रॉब्लम्स आता है वो कैसे उन चीज़ों से उभरते हैं तो आगे हम नावल में ये जानेंगे ये था मेरा मित्र फुकन का जो इंट्रोडक्शन सो so, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूं। थैंक यू